हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे, देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन पैटर्न। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, ये देखिए 12 के मल्टीपल हमने फंदे लिए हुए हैं, 24 और प्लस 2 फंदे आपको साइड के एड स्टिच लिए हैं। तो चलिए डिज़ाइन पैटर्न बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, ये रो वन है राइट साइड। इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, आप चाहें तो बुन भी सकते हैं, ये ऑप्शनली है। इसके बाद धागे को आगे करेंगे, वन फंदा उल्टा, देखिए वन फंदा उल्टा। इसके बाद धागे को पीछे ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 फोर फंदा सीधा, देखिए वन साइड का एड स्टिच, वन फंदा उल्टा, फोर फंदा सीधा। अब इन टू फंदों में देखिए यहाँ बबल्स बनाएंगे हम। यहाँ से वन लूप लेंगे और इसे हम लेफ्ट सिलाई पे ऐसे डाल देंगे और फिर धागे को आगे लाएंगे और इसे हम देखिए टू का वन करेंगे, ऐसे जो हमारे वन पर लूप था और वन फंदा, और इस फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद धागे को पीछे ले जाएंगे, फोर फंदा सीधा, 1 2 3 4 वन उल्टा। अब देखिए यही 12 फंदे आपको बार बार रिपीट करने हैं, ठीक ना। देखिए वन साइड का एड स्टिच है, वन फंदा उल्टा, फोर फंदा सीधा, टू फंदे में हमने बबल्स बनाया, फोर फंदा सीधा, वन फंदा उल्टा। देखिए वन साइड का एड स्टिच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही 12 हमने जैसे बताया आपको रिपीट करना है फर्स्ट रो में। तो यहाँ पर देखिए सेकंड डिजाइन, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे किया, फोर फंदा सीधा, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर हम इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे। देखिए यहाँ से लूप लिया और इसे हमने लेफ्ट सिलाई पे डाल दिया, इसके बाद धागे को आगे किया, यहाँ पर हम टू का वन करेंगे, वन लूप वन फंदा बुनाएंगे, फिर ये वन फंदा और ये जो था उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे किया, फोर फंदा सीधा, 1 2 3 4, वन ए फंदा उल्टा और वन ये साइड का एड स्टिच। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये सेकेंड रो है रॉन्ग साइड। देखिए रॉन्ग साइड में आपको कुछ नहीं करना है, तो इसे आप जो है फर्स्ट फंदे को स्लिप करिए और ऐसे उल्टा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, आपको रॉन्ग साइड में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई आप इसी तरह कंप्लीट कर लीजिए। हम भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये डिजाइन पैटर्न का राइट साइड थर्ड रो है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागे को आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा। अब देखिए धागे को पीछे ले जाएंगे, थ्री फंदा ही सीधा बुनेंगे, 1 2 3। देखिए हमने फर्स्ट रो में 2 4 फंदा सीधा बुना था, इसमें हम 3 फंदा। अब देखिए इस और इस फंदे में बबल्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे यहाँ से लूप लेंगे और इसे राइट सिलाई पे ऐसे डालेंगे और धागे को आगे करेंगे और देखिए ये 2 का 1 करेंगे और वन फंदा उल्टा। धागे को पीछे ले जाएंगे, अब इन टू फंदों में हमें बबल्स बनाना है। देखिए देखिए यहाँ पर 1 ऐसे लूप लेंगे, इसे लेफ्ट सिलाई में डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और देखिए ये 2 का 1 करेंगे, 1 लूप और 1 फंदा, ये उल्टा फंदा बुनेंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे और देखिए 3 फंदा सीधा, 1 2 3। धागे को आगे करेंगे, देखिए 1 ये डिजाइन का है, 1 फंदा उल्टा, तो 1 डिजाइन कंप्लीट। अब यहाँ से सेकंड डिजाइन, तो 1 फंदा उल्टा, धागे को पीछे किया, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब देखिए इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे। पहले यहाँ हम लूप लेंगे और इसे लेफ्ट सिलाई पे ऐसे डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, 1 लूप 1 फंदा, 2 का 1 करेंगे यहाँ पर और 1 उल्टा फंदा। धागे को पीछे करेंगे, अब इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ से 1 लूप लेंगे ऐसे, इसे लेफ्ट सिलाई में डालेंगे और धागे को आगे करेंगे, यहाँ 2 का 1 करेंगे, ये 1 फंदा उल्टा और धागे को पीछे किया, 3 फंदा सीधा,
वन फंदा उल्टा, वन साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे। तो थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब ये फोर रो है रॉन्ग साइड। देखिए फोर रो में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई को ऐसे कंप्लीट कर लेना है। तो आप पूरी रो को ऐसे कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए राइट साइड जो है फिफ्थ रो है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और देखिए वन फंदा उल्टा, धागे को आगे करेंगे, वन फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, अब टू फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए वन टू, टू फंदा सीधा। अब इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे। तो यहाँ से पहले हम देखिए लूप लेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लूप लेंगे और इसे लेफ्ट सिलाई पर ऐसे डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और ये टू का वन करेंगे और फिर वन फंदा उल्टा। अब देखिए धागे को पीछे करेंगे, वन ये वन और टू, टू फंदा सीधा। अब देखिए इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे। तो यहाँ से हम वन लूप लेंगे, इसे हम लेफ्ट सिलाई पर ऐसे डालेंगे और धागे को आगे करेंगे। तो देखिए ये टू फंदों का वन और फिर ये वन फंदा, धागे को पीछे किया, टू फंदा सीधा। अब देखिए धागे को आगे करेंगे, वन फंदा उल्टा। ये हमारा जो है सेकेंड, फर्स्ट डिजाइन कंप्लीट हो गया। सेकेंड डिजाइन वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे किया, टू फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे। तो हम पहले यहाँ से लूप लेंगे, इसे लेफ्ट सिलाई पे डालेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और ये टू का वन करेंगे और वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, टू फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ से हम लूप लेंगे, बबल्स बनाएंगे, तो इसे लूप डालेंगे लेफ्ट सिलाई पे और ऐसे टू का वन करेंगे उल्टा, सेकेंड फंदा भी उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, टू फंदा सीधा, धागे को आगे करेंगे, वन फंदा उल्टा और वन फंदा सीधा। तो हमारा ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये सिक्स रो है रॉन्ग साइड। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागे को आगे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा बुनते हुए फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेना है। तो सिक्स रो को आप इस तरह उल्टा बुनते हुए पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये सेवन्थ रो है, राइट साइड है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, वन फंदा सीधा। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब हम लूप लेंगे और इसे लेफ्ट सिलाई पे ऐसे डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और टू फंदों का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे किया, वन टू थ्री फोर। फिर यहाँ देखिए टू फंदों में यहाँ से लूप लेंगे, धागे को इस पर डालेंगे लूप को और धागे को आगे करेंगे, टू का वन करेंगे और वन फंदा उल्टा और वन फंदा ये सीधा, धागे को आगे किया, वन फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड डिजाइन वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, वन फंदा सीधा। यहाँ से देखिए हम लूप लेंगे, इस पर डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, टू फंदों का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे किया, फोर फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर। अब देखिए यहाँ, यहाँ से लूप लेंगे और इस पर डालेंगे और धागे को आगे करेंगे, टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, वन फंदा सीधा, वन फंदा उल्टा, वन साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेवन्थ रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए एट रो है रॉन्ग साइड। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और देखिए पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स इसे आप पूरा ऐसे कंप्लीट कर लीजिए रॉन्ग साइड। तो फ्रेंड देखिए एट रो है राइट साइड है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सीधा नहीं बुनना है, अब लास्ट फंदा ये सीधा है, यहाँ पर हम बबल्स बनाएंगे। देखिए बबल्स बनाएंगे और इसमें हम ऐसे इसे करेंगे, धागे को आगे करेंगे, टू का वन करेंगे और वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे किया। अब देखिए
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फंदा हमारे सीधा हो गया। अब यहाँ पर देखिए बबल्स बनाएंगे, यहाँ से वन लूप लेंगे और इस पर सिलाई पर डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, यहाँ देखिए टू फंदों का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को आगे की साइड रखेंगे, वन फंदा ये उल्टा और ये सेकंड फंदा उल्टा। फिर यहाँ पर देखिए लूप लेंगे, लेफ्ट सिलाई पे ऐसे डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, टू का वन करेंगे ऐसे और वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे किया, सिक्स फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर यहाँ देखिए यहाँ से लूप लेंगे ऐसे, सिलाई पे डालेंगे, धागे को आगे किया, देखिए टू का वन करेंगे और वन फंदा उल्टा और ये वन फंदा और उल्टा, धागे को पीछे किया सीधा। तो हमारा नाइन्थ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब टेंथ रो रॉन्ग साइड, तो रॉन्ग साइड आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है, पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए टेंथ रो को आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो हम भी कर लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लीजिए। टेंथ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये एलेवंथ रो है, राइट साइड फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, अब देखिए धागे को आगे करेंगे, वन फंदा उल्टा। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या करना है, अब अगेन हम यहाँ टू फंदा में ऐसे लेंगे, देखिए एलेवंथ रो में, और इसको सिलाई पे ऐसे डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, ये टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फंदा बुनेंगे। अब यहाँ से हम लूप लेंगे वन और इसे लेफ्ट सिलाई पर डालेंगे, इसके बाद धागे को आगे करेंगे, टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, और देखिए फिर हम यहाँ पर टू फंदा उल्टा और बुनाई करेंगे, धागे को पीछे करेंगे, यहाँ से हम देखिए लूप लेंगे और इसे सिलाई डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और देखिए टू का वन, फिर वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे किया, सिक्स फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर यहाँ पर देखिए लूप लेंगे, यहाँ वन इसे लेफ्ट सिलाई में डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, देखिए टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, फिर ये सेकेंड फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन साइड का स्टिच। तो ये एलेवंथ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ ट्वेल्थ रो है रॉन्ग साइड, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, पूरी रो को इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेना है। तो आप पूरी रो को ऐसे कंप्लीट कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो गया, ये थर्टीन रो है, राइट साइड है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, वन फंदा सीधा। अब बबल्स जो है ऐसे तिरछा जाएगा, देखिए यहाँ पर टू का वन करेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ लूप लेंगे और देखिए इसे लूप को हम सिलाई पर डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, अब टू को टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे, देखिए वन टू थ्री फोर फंदा सीधा। अब देखिए इन टू फंदों में हम बबल्स बनाएंगे, तो यहाँ से वन लूप लेंगे और इसे सिलाई पे ऐसे डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे सॉरी धागे को पीछे करेंगे, वन फंदा सीधा, धागे को आगे करेंगे, टू फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, वन फंदा सीधा। इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे, देखिए लूप लिया, धागे को आगे किया, टू का वन करेंगे और वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे, फोर फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर। अब इन टू फंदों में देखिए यहाँ से वन लूप लेंगे, सिलाई पे डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, अब देखिए टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, वन फंदा सीधा,
वन फंदा उल्टा, वन फंदा सीधा। तो फ्रेंड्स ये हमारा देखिए 13 रो कंप्लीट हो गया है। 14 रो है रॉन्ग साइड, फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे और पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये 15 रो है, राइट साइड है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, टू फंदा सीधा, वन टू। अब देखिए यहाँ इन टू फंदों में हमें बबल्स बनाने हैं, तो यहाँ से वन लूप लेंगे, इसे हम सिलाई पे डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और देखिए ये टू का वन, वन लूप और वन फंदा, टू का वन करेंगे, वन उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, टू फंदा सीधा, वन टू। अब यहाँ इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे, तो यहाँ पहले हम लूप लेंगे और इसे हम सिलाई पे डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और ये टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, टू फंदा सीधा, धागे को आगे करेंगे, टू फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, टू फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे, तो यहाँ से वन लूप लेंगे, इस पर डालेंगे लेफ्ट सिलाई पर, फिर धागा आगे करेंगे, टू फंदों का वन करेंगे, देखिए यहाँ पर टू फंदों का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, टू फंदा सीधा, फिर यहाँ पर देखिए टू फंदों में यहाँ से लूप लेंगे, सिलाई पर डालेंगे लेफ्ट, धागा आगे करेंगे, टू फंदों का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, टू फंदा सीधा। अब देखिए वन ये उल्टा फंदा, धागा पीछे करेंगे, वन साइड का एड स्टिच है। तो हमारा 15 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। 16 रो रॉन्ग साइड, फर्स्ट फंदे को स्लिप करके और ये पूरी रो को ऐसे हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए 16 रो को हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा 17 रो है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे लगाएंगे और वन फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, देखिए वन टू थ्री फंदा सीधा। अब देखिए इन टू फंदों में बबल्स बनाएंगे, लूप को लिया, सिलाई पे डाला लेफ्ट, धागा आगे किया, लूप और एक फंदा दोनों को एक साथ ऐसे दो का एक करेंगे, वन फंदा उल्टा। अब देखिए धागा को पीछे ले जाएंगे और इन टू फंदों में हम यहाँ से ऐसे वन लूप लेंगे, सिलाई पे डालेंगे, धागा आगे किया, टू का वन करेंगे और वन फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, धागा पीछे, वन टू थ्री, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री। फिर देखिए इन टू फंदों में हम लूप्स बनाएंगे, जो बबल्स हैं लूप्स लेंगे और धागा को आगे करेंगे, वन लूप्स वन फंदा, टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ से हम वन लूप लेंगे, धागा को इस पर डालेंगे, धागा आगे करेंगे, टू का वन करेंगे, यहाँ से वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन टू थ्री, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सीधा। तो ये हमारा 17 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। 18 रो है रॉन्ग साइड, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे करते हुए पूरी रो को ऐसे उल्टा बुनते हुए हम 18 रो को कंप्लीट कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए अब 19 रो है और वैसे आप समझ लीजिए जैसे हमने रो वन यहाँ पर बुना था वैसे आपको बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा को आगे करके वन फंदा उल्टा, फोर फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो यहाँ स्टार्ट किया था ना वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने वन फंदा उल्टा, फोर फंदा सीधा। अब इन टू फंदों में देखिए यहाँ से लूप लेंगे, इसे सिलाई पर डालेंगे, धागा को आगे करेंगे, वन लूप वन फंदा, ऐसे टू का वन करेंगे, वन फंदा उल्टा,
धागा को पीछे, फोर फंदा सीधा, 1 2 3 4। देखिए रो 1 कितना प्यारा है, ये बर्फी डिजाइन में बबल्स बनकर, बबल्स में हमने ये बर्फी डिजाइन बनाया। देखिए कितना प्यारा बन करके आया है। सेम अब आपको ऐसे ही रिपीट करना है। देखिए धागा को पीछे, 1 2 3 4, फोर फंदा सीधा, इन टू फंदों में देखिए यहाँ से 1 बबल्स लेंगे, लूप लेंगे और धागे को डालेंगे और लूप और ये फंदा दोनों का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे, फोर फंदा सीधा। देखिए 18 रो कही है या 20 रो की ये डिजाइन, क्योंकि ये स्टार्टिंग की भी है। ठीक, फिर ये आपको 18 रो की डिजाइन है फ्रेंड्स। देखिए हमने ये 19 रो बता दिया है, 20 रो आपको उल्टा बुनते हुए पूरा ये कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 से लेके 20 रो में ये डिजाइन इसी तरह बन करके आया है। अब इसी को आप जब रिपीट करते जाएंगे तो पूरी डिजाइन फ्रेंड देखिए इस तरह बन करके आएगी। इसे आप बनाएं। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।